वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एटी मनी बनो, अपना फाइनेंस मिनिस्टर मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और अब शो को आगे बढ़ाएंगे और रुख करते हैं बाकी तमाम मुद्दों पर जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े हुए हैं, और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, मनी स्कूल के फाउंडर अर्णव पंड्या और वाइस एडवाइजर के CEO हेमंत उस्तगी। आप दोनों का स्वागत है इस पेशकश में। और चर्चा की शुरुआत हम करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में मिस सेलिंग को लेकर, जहाँ पर सेबी ने एक बार एक ऑब्जर्वेशन निकाली है जिसको लेकर जल्द कदम उठाने की भी बात है। तो हेमंत जी, पहले तो ये बताएं कि जिस म्यूचुअल फंड में मिस सेलिंग की बात सामने आ रही है, जो सेबी ने भी हाईलाइट की है, वो दरअसल मामला क्या है? कविता, जो न्यूज रिपोर्ट्स हैं बेसिकली उसके हिसाब से जितने भी जो बैंक्स हैं, बेसिकली स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक दोनों जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं, तो आई थिंक जो फाइंडिंग है वो पिछले, अभी एकदम ये नई चीज़ नहीं है, ये काफ़ी साल पहले भी हमने देखा है। और हर साल जब फिगर्स आती हैं तो पता चलता है कि जिन भी बैंक्स, जो बैंक जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उनके जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके जो विद इन द ग्रुप जो म्यूचुअल फंड्स हैं, तो ये पाया गया कि जो उनका जो मैक्सिमम जो मोबिलाइजेशन है वो खुद के म्यूचुअल फंड से है, यानी जो मेजॉरिटी जो म्यूचुअल फंड उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो बेचे हैं अपने क्लाइंट्स को, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है अब उन्हीं के ग्रुप के फंड का है। तो इशू ये आ रहा है कि अगर ऐसा हो रहा है कि कई कई केसेस में तो 70% to 100% भी जो कमीशन उनको मिल रहा है वो अपने ही म्यूचुअल फंड से मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इशू ये आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप सिर्फ अपने म्यूचुअल फंड के जो प्रोडक्ट्स हैं वही अपने क्लाइंट्स को आप ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। देखिए, म्यूचुअल फंड जब आप फर्स्ट टाइम किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो एक ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एकदम नया प्रोडक्ट होता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो वो चाहते हैं कि हम किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से या किसी ऐसे इंडिविजुअल से डील करें जिनको हम ट्रस्ट कर सकें, जो हमें सही तरीके से गाइड करें, बताएं कि ये मार्केट लॉन्ग प्रोडक्ट्स क्या है, ये हमारे पोर्टफोलियो में क्या कर सकते हैं। तो जब ये ऐसा इशू आता है कि आप सिर्फ अपने ही म्यूचुअल फंड के जो प्रोडक्ट अगर आप उनको ऑफर कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप उनकी परफॉर्मेंस को इग्नोर कर रहे हैं, उनकी सूटेबिलिटी को इग्नोर कर रहे हैं, और आपका फोकस सिर्फ इतना है कि आप उन फंड्स को अपने क्लाइंट्स को बेचें। तो आई थिंक जब ये फिगर्स आई हैं, जैसे मैंने कहा पिछले कई सालों से ये फिगर्स आ रही हैं, तो जैसा कि देखने में या जो न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से पता चल रहा है कि सेबी ने इसके बारे में डिटेल मांगी है कि आपका कितना कंट्रीब्यूशन, या जो म्यूचुअल फंड्स को पूछा है कि आपके जो बैंक्स जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनका कितना कंट्रीब्यूशन है आपके टोटल एसेट्स में। ऐसे में अर्णव जी, SEBI ने ये भी कहा है कि आपको एक ही फंड हाउस के फंड्स नहीं खरीदने चाहिए। कहीं ना कहीं ये उन चीज़ों में से एक है जो अक्सर हम निवेशकों को और दर्शकों को करता हुआ देखते ही हैं, क्योंकि उनका खाता होता है किसी बैंक में तो वो उसी बैंक की अगर फंड्स हैं तो वही खरीद लेते हैं। निवेशकों के लिहाज से ऐसा करना कितना गलत होगा? और साथ ही ये जो फंड्स बेचे जाते हैं, ये क्या कहकर बेचे जाते हैं जब भी आप जाते हैं बैंक में कोई खाता खुलवाने या कोई काम करने? अगर आपके पास बैंक का अकाउंट है और मान लीजिए कि बैंक आपको एज एन इन्वेस्टर या एज अ कस्टमर म्यूचुअल फंड्स बेचने की कोशिश कर रहा है, तो कई सारे कारण बताए जाएंगे। एक तो फॉर एग्जांपल ये होता है कि आपके लिए एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो वो हिसाब से इन्वेस्टर को कहा जाता है कि आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड में डालिए तो आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा एज कम्पेयर टू फिक्स डिपॉजिट। तो इसमें तकलीफ क्या है कि फिक्स डिपॉजिट डेट प्रोडक्ट है, जो म्यूचुअल फंड्स बेचे जाते हैं वो इक्विटी प्रोडक्ट है। कई बार इनफॉर्मली रिटर्न्स के बारे में भी बात की जाती है, जबकि आपको ये जानना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड्स डेट हो, इक्विटी हो, हाइब्रिड हो, वहां पर कोई गारंटीड रिटर्न्स नहीं होते हैं और मार्केट के हिसाब से आपको मिलते हैं। और तीसरी बात ये भी होती है कि जब आपको इस प्रकार के म्यूचुअल फंड्स बैंक बेचता है, तब आपको कई सारे उसके टैक्स बेनिफिट्स भी बताए जाते हैं, तो वो भी आपको जांच कर लेना है कि जो टैक्स बेनिफिट्स है वो आपके लिए सूटेबल है, आपके लिए योग्य है। और इसमें एज अ इन्वेस्टर आपको एक, पहली बात तो ये है कि एक ही फंड हाउस के सभी प्रकार के म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो में रखना एक बड़ा जोखिम है, क्योंकि एक ही स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट आता है।
तो जब हम बात करते हैं कि आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, तो डाइवर्सिफाई अक्रॉस ज्योग्राफिकल एरियाज आपको करना चाहिए, डाइवर्सिफाई अक्रॉस मार्केट कैप्स करना चाहिए, डाइवर्सिफाई अक्रॉस मैनेजमेंट स्टाइल्स भी करनी चाहिए, क्योंकि हर एक स्टाइल की एक अलग प्रकार का मैनेजमेंट होता है और उस अलग अलग समय पे वो चलता है। तो इसीलिए एक फंड हाउस के सभी फंड्स रखने अच्छे नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि आपको एक चॉइस मिलना चाहिए और चॉइस आपके लिए सूटेबल होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चॉइस में आप कौन से फंड शामिल करते हो वो बड़ा महत्व रखता है। तो अब ऐसे में सेबी ने अब जो बातें हाईलाइट की हैं हेमंत जी, इसको लेकर क्या एक्शन लिया जा सकता है? अब क्योंकि संज्ञान में आई है सेबी की ये सारी बातें और काफ़ी लंबे समय से इस पर बातचीत भी चल रही है, अब आने वाले वक्त में क्या कुछ हो सकता है? देखिए कविता, देखना होगा कि किस, पहली बार तो जो डेटा वहाँ से आएगा वो, या जो रीज़न दिए जाएंगे, जो जो म्यूचुअल फंड से उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो देखी जाएगी। उसके अलावा फिर देखिए प्रोसेसेस फॉलो करने होते हैं हर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को, कि आप जब आप क्लाइंट को जो भी प्रोडक्ट ऑफर करते हो तो उनकी वो सूटेबिलिटी आप देखते हो कि नहीं देखते हो, या उनका जो प्रोफाइल है उसको देख के आप वो प्रोडक्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद अगर ये ज़्यादा डीप होगा तो फिर कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है बैंक्स का, कहीं ना कहीं उसमें आप उसको थोड़ा रीवैम्प होते देखेंगे और शायद थोड़ी और ट्रांसपेरेंसी देखेंगे, और शायद देखेंगे कि जिस तरीके से बाकी म्यूचुअल फंड्स भी उनको ऑफर किए जाने चाहिए वो होते रखेंगे। तो मुझे लगता है जो भी इन्वेस्टर्स बैंक्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं और वो डिजर्व करते हैं कि उनको बेहतर प्रोडक्ट मिले, उनको ऑप्शंस मिले, और जैसा मैंने पहले कहा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो प्रोडक्ट उनको मिले वो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सूटेबल हो, तो वो मिले। तो मुझे लगता है इसमें जो भी कदम होगा सेबी की इंटेंशन वही रहेगी कि उसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़े और जो भी इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन या जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उनको सही तरह के प्रोडक्ट मिले, उनको सही चॉइसेस मिले। तो मुझे लगता है इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा कदम होगा। अर्णब जी, क्या ऐसा है कि जो फंड्स खराब परफॉर्म कर रहे हैं उनको बेचने के पीछे ज्यादा मेहनत की जाती है बैंक्स द्वारा? नहीं, ऐसा नहीं है कि जो फंड्स खराब परफॉर्म कर रहे हैं उनके पीछे मेहनत की जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब एक बैंक सिर्फ अपने ही फंड हाउस के स्कीम्स बेच रहा है तब ये लाइकली है कि जो स्कीम वो बेच रहा है उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है। तो आइडियली क्या होना चाहिए कि उस कैटेगरी में अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो आप कोई और स्कीम बेचें, लेकिन जब परफॉर्मेंस अच्छा न होने के बावजूद भी उसे बेचा जाता है तो वो एक्चुअली मिस सेलिंग का एक बहुत ऑब्वियस एग्जाम्पल बन जाता है, क्योंकि उसमें तो बहुत क्लियर है कि अगर फंड भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, कंसिस्टेंसी नहीं है, अंडर परफॉर्म कर रहा है और फिर भी आप उसे बेच रहे हो तो अनसस्पेक्टिंग इन्वेस्टर्स, तो ये सही नहीं है। और इसीलिए जब भी कोई निवेशक जाए अपने बैंक से, अगर मान लीजिए उसे सलाह भी मिले तो अपना थोड़ा होमवर्क करने से शायद इसमें उनको फर्क पड़ेगा, क्योंकि तब वो जान पाएंगे कि कहाँ वो उनको निवेश करना चाहिए। चलिए, तो कुल मिलाकर निवेशकों को और जागरूक होने की ज़रूरत है और एक ही AMCs के फंड से पोर्टफोलियो नहीं बनाना है आपको, फ़ंड की परफॉर्मेंस और बाकी तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जिस पर आपको लगातार सलाह मिलती रहती है इस शो पर, उन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाना है। लेकिन शो को आगे बढ़ाएंगे और अब सीधा जुड़ेंगे दर्शकों के साथ। श्याम सुंदर जोशी फ़ोन लाइन पर मेरे साथ हैं, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। सर, अपने टीवी की आवाज कम कर देंगे और मुझसे फोन पर बात करेंगे प्लीज। बताइए। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। अच्छा, ओके, मेरे पास कुछ सिप है, जैसे आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी फंड है, HDFC टॉप फंडेड है जी, कोटक ब्लूचिप फंड है, फ्रंटलाइन इंडिया फोकस्ड फंड है, निपन इंडिया ग्रोथ फंड है, ICICI प्रोडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड है जी। अब इसमें से मुझको ये जानना है इसमें कौन सा फंड मुझको कंटिन्यू करना है या कि कौन सा क्वेश्चन हटाना, कौन सा फंड हटाना है मुझको? कब से कर रहे हैं आप इसमें निवेश? इसमें अलग अलग समय से है, जैसे आदित्य बिरला के अंदर मैं कर रहा हूँ 2009 से, HDFC टॉप 100 में भी 2009 से, और कोटक ब्लू चिप में 2009 से शुरू किया था, फिर 2015 में बंद कर दिया, फिर शुरू कर दिया है। अच्छा। और फ्रैंकलाइन के अंदर इसी साल जनवरी में शुरू किया था, और कि निप्पल इंडिया के अंदर 2010 से है, और ICICI प्रोडक्शन फंड के अंदर कि नवंबर 2021 से है। कितने साल तक आपको रहना है इनमें?
मुझको 5 साल तक और रहना है इसके अंदर। और कितना इकट्ठा करना चाहेंगे आप? अभी इकट्ठा तो 2 करोड़ के आसपास। अभी करंट वैल्यू क्या होगी? 10 बिलियन करंट वैल्यू 12 लाख के आसपास है। कितने? 12 लाख। चलिए 12 लाख के आसपास है। अर्णव जी बताएं निवेश कहाँ बढ़ाना होगा और किस फंड को एग्जिट करना होगा? देखिए मुझे 2-3 चीजें बहुत ऑब्वियस यहाँ पर दिख रही है। पहली बात ये, अगर आज की तारीख में पोर्टफोलियो का वैल्यू 12 लाख है और आपको 5 साल में 2 करोड़ चाहिए तो वो अचीव करना शक्य नहीं, यानी कि पॉसिबल नहीं है एट दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये इसको आपको गोल्स को रिविजिट करना होगा और आगे जाते हुए थोड़ा निवेश भी बढ़ाना होगा। लेकिन इसमें क्या है कि फर्क इतना बड़ा है कि थोड़ा निवेश बढ़ाने से शायद गोल्स अचीव ना हो पाए। दूसरी बात यह है कि बहुत एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो उन्होंने ओवर अ डेकेड से निवेश किया हुआ है। ये रेगुलरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो जिस तरह से मैं फंड का कंपोजिशन देख रहा हूँ उससे ये भी मुझे लग रहा है कि इन्होंने अपने फंड्स को मॉनिटर केयरफुली नहीं किया है, क्योंकि इसमें कोई बदलाव ही नहीं आया है, क्योंकि बहुत सारे फंड्स हैं जो बहुत लंबे समय से चल रहे हैं। अब तीसरी बात आती है कि हम इसमें कौन से बदलाव करने चाहिए। पहली बार हम देखें पोर्टफोलियो के कॉम्पोजिशन में तो लार्ज कैप फंड्स काफी सारे हैं, यानी कि 3 लार्ज कैप फंड्स है, 1 फ्लेक्सी कैप फंड है, यानी कि लार्ज कैप फंड्स का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है यहाँ पर। तो उनको 3 में से 2 लार्ज कैप फंड्स कम करने चाहिए। पहली बात तो ABSL का फ्रंटलाइन इक्विटी और HDFC टॉप 100, ये 2 फंड्स में जो निवेश जा रहा है वो उनको बंद कर देना चाहिए। HDFC टॉप 100 का जो निवेश जा रहा है वो कोटक ब्लू चिप में वो शिफ्ट कर सकते हैं, और क्योंकि ये पोर्टफोलियो में सिर्फ एक और मिड कैप फंड ही है, कोई स्मॉल कैप फंड नहीं है, तो जो ABSL का जो लार्ज कैप का निवेश था 3500 का अमाउंट, वो एक स्मॉल कैप फंड जो SBI का स्मॉल कैप है वहां पर वो शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो फ्रैंकलिन इंडिया का जो एक फोकस्ड फंड है उसे भी वो शिफ्ट करके पराग परिक के फ्लेक्सी कैप में बदल सकते हैं। तो ये सब करने से क्या होगा कि जो ओवर डिपेंडेंस है ऑन लार्ज कैप पोर्टफोलियो में वो कम हो जाएगा, थोड़ा इवन बैलेंसिंग आ जाएगा, और इसके साथ थोड़ा स्मॉल कैप का एक्सपोजर भी बढ़ेगा, जिससे थोड़े ओवरऑल पोर्टफोलियो में बैलेंस आए और ग्रोथ की क्षमता रहे। चलिए कोई और सवाल आपने पूछना है श्याम सुंदर जी? बस यही पूछना था उसको। ठीक है, एक बार उसको फिर से बता दीजिए कि पार्क पालिक पीपी फ्लेक्सी के फंड का कितना इन्वेस्ट करूं, कितने की ऐसा भी करनी है? जो पूरा अमाउंट फ्रैंकली इंडिया में जा रहा है वो आप पराग परिक में शिफ्ट कर। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले दर्शक का सवाल मैं लेना चाहूंगी। अयांश जैन क्या फोन लाइन पर है मेरे साथ? हाँ मैडम। हाय गुड इवनिंग, क्या करते हैं आप? मैडम मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे कपड़े का काम है, कपड़े का बिजनेस है। चलिए बताइए, आपने इसी साल अप्रैल से शुरुआत की अपने इन्वेस्टमेंट की 23,000 रुपए से? यस मैडम। ओके, और आपको निवेश और बढ़ाना है 2,000 से? हाँ मैडम, 2,000 का और बढ़ाना है। इसके अलावा मेरा PPF के अंदर भी जा रहा है, बट अभी अपन म्यूचुअल फंड के लिए जानना था मेरे को। हाँ हाँ ठीक है, तो एक साथ ये 6 फंड्स में डाला था कि कुछ पुराने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं आपके? नहीं, ये एक साथ ही स्टार्ट किया था मैंने अप्रैल 2022 से, जो अमाउंट मैंने आपको भेज रखा उसी रेशो में मैंने डाला था। ओके, हेमंत जी बताएं। देखिए कविता, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, इनकी जो इन्वेस्टमेंट है अभी वो 23,000 रुपीज पर मंथ है, 10 साल का इनका टाइम होराइजन है। तो अगर हम क्योंकि इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं प्राइमरीली, तो अगर हम 12% का रिटर्न मान के चलते हैं तो इनको जो कॉर्पस जो अक्यूमुलेट होगा करीब 54 लाख होगा। और जैसा इन्होंने कहा कि ये शायद 2,000 से अपनी SIP बढ़ाने चाहते हैं, तो वो कुल मिला के करीब 25,000 की SIP होगी। तब इनका कॉर्पस, अगर ये अपना प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं पूरे 10 साल अनइंटरप्टेडली, तो करीब करीब 58 लाख हो जाएगा। तो मुझे लगता नहीं कि इनको अपने गोल को अचीव करने में कोई इशू होगा। इनका पोर्टफोलियो ब्रॉडली मैं कहूँगा फंड सिलेक्शन काफ़ी अच्छा है, लेकिन सिर्फ एक ही मुझे लगता है चेंज इनको करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनका समय जो है वो 10 साल का है, तो इनके पास एक बैलेंस एडवांटेज फंड है। मुझे नहीं लगता कि वो बैलेंस एडवांटेज फंड इतने लॉन्ग टर्म के लिए, स्पेशली जब आप एक बड़ा कॉर्पस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सूटेबल है। उसकी जगह में अगर आप
ICICI प्रू का जो लार्ज एंड मिड कैप फंड है वो अगर ले तो अच्छा है, और जो 2000 इनको जो इन्वेस्टमेंट करनी है एडिशनल अभी वो एग्जिस्टिंग फंड जो है इनका एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो एक प्राइमरली लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, कुछ पैसा जो है वो ऑफशोर में भी इन्वेस्ट होता है उस फंड के अंदर करें। तो अगर ये जैसा मैंने पहले कहा अपने प्रोसेस को अनइंटरप्टेडली 10 साल तक कंटिन्यू करें और ये पोर्टफोलियो अगर बना के रखें तो डेफिनेटली इनका जो टारगेट है वो पूरा होगा। चलिए आयांश कोई सवाल पूछना चाहते हैं? मैडम बस मेरे को यही जानकारी लेनी है कि जैसे 2000 का बढ़ाना तो वो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड में बढ़ाना और एक बैलेंस एडवांटेज फंड को कम करके ICICI के अंदर शिफ्ट करना है, बस यही है ना मेरे लिए सजेशन। आपको सलाह बेहतर तरीके से समझनी है तो ये शो यूट्यूब पर भी जाता है, आप वहां पर देख सकते हैं। लेकिन शो को आगे बढ़ाएंगे, अब सीधा रुख करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। बताएं अर्णव जी, आपने क्या निवेश का गुरु मंत्र आज देना है? आपके पास कोई भी लोन हो तो लोन के जो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जिसे हम EMI कहते हैं वो किस तरह से कैलकुलेट किया गया है, कितनी रकम आप इंटरेस्ट में भर रहे हैं, कैपिटल में भर रहे हैं, वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस प्रकार से इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशन होता है, किस समय के बाद इंटरेस्ट रेट चेंज होता है फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट लोन में, ये जानने से आपको अपने लोन के आउटस्टैंडिंग के बारे में भी पता चलेगा। और ये जानना इसीलिए जरूरी है ताकि आप जब कोई भी रीपेमेंट करना चाहे या लोन को खत्म करना चाहे तब आपके पास पूरी और सही जानकारी हो और आप यही जान के कोई कदम बढ़ाए जिससे आपके लोन के बर्डन कम हो जाए। हेमंत जी, कविता, मैं कहना चाहूंगा कि टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट कभी भी साल के आखिर में जल्दबाजी में मत कीजिए, ये आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट प्लान का हिस्सा होना चाहिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके दो बड़े फायदे होंगे, एक तो आपको सही ऑप्शन चुनने का मौका मिलेगा क्योंकि जो एसेट एलोकेशन है उसके हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इन इन्वेस्टमेंट को अगर आप अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स के साथ अलाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो सही मायने में जो इनका पोटेंशियल है वो उसके सामने आएगा और आपको लॉन्ग टर्म में वो काफी आपके वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, विरल भटनागर फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। नमस्कार। नमस्कार मैम, पूछिए। मैम मेरा कोटेक स्टैंडर्ड मल्टी कैप जो फंड है उसमें इन्वेस्टमेंट है, तो अभी जैसा कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही है तो मैं क्या अपनी सारी इन्वेस्टमेंट जो कि अप्रोक्सीमेटली 5 लाख है तो उसको कोटेक इमर्जिंग इक्विटी में ट्रांसफर कर लूं? मतलब मेरा अभी SIP उसमें स्टार्टिंग है 5,000 रुपीज की। तो आपने ये कब से निवेश किया हुआ है इसमें? मैम फ्लेक्सी कैप में मेरे 3 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है तो, और पिछले 2 साल से मेरा इमर्जिंग इक्विटी में SIP चल रहा है, तो मैं वही सोच रहा था कि क्या मैं उस पर स्विच कर दूं। अर्णव जी, क्या फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के तमाम फंड्स में हम इस तरह का डाउनटर्न देख रहे हैं परफॉर्मेंस के लिहाज से? नहीं, फ्लेक्सी कैप का परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो ऐसे बुरा नहीं है क्योंकि उसमें लार्ज कैप का डोमिनेंस है, तो अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 साल में पॉजिटिव टेरिटरी में एवरेज परफॉर्मेंस है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन अगर आप थोड़ा लॉन्गर टर्म जाएंगे तो आपको जो कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न आपको दिखाई देगा 3 साल 5 साल में वो काफी अच्छा है, तो मेरे हिसाब से फ्लेक्सी कैप ऐसा कैटेगरी में कोई तकलीफ नहीं है। अब इन निवेशक को एक ये जानना होगा कि उनके पोर्टफोलियो में दूसरे कौन से फंड है, क्योंकि देखिए आपको फ्लेक्सी कैप फंड मान लीजिए कोटा के अंडर परफॉर्मर है तो उससे बदलना है, तो लेकिन जो आप फंड के बारे में बात कर रहे हो वो एक मिड कैप फंड है कोटा की इमर्जिंग इक्विटीज, तो आप एक फ्लेक्सी कैप जिसमें लार्ज कैप का डोमिनेंस है वहां से आप मिड कैप में शिफ्ट हो रहे हो, लेकिन क्या आपके पोर्टफोलियो में और कहीं एडिशनल मिड कैप फंड्स है? आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का कितना एक्सपोजर है उससे डिसाइड होगा कि वेदर आपको ये शिफ्ट करना है या नहीं, तो ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए एज अ मैटर ऑफ परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी कोटक इमर्जिंग इक्विटीज एक अच्छा फंड है और आपको उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा दिखेगा, फंड मैनेजर ने भी इसे बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया हुआ है, लेकिन क्या इनके पोर्टफोलियो के लिए ये सही है ये शिफ्ट और ये इतनी अमाउंट यहाँ पर आना, यही सिर्फ एक क्वेश्चन।
ये अगले कॉलर हमारे साथ सत्येंद्र उपाध्याय भी हैं जो अपना सवाल पूछना चाहते हैं। बताइए उपाध्याय जी, क्या सवाल है? चलिए इनसे कनेक्ट हो, तब तक इनका सवाल बहुत सिंपल है। और ये कह रहे हैं, हर महीने जो सैलरी से टैक्स कट रहा है उसको कैसे बचाया जाए? हेमंत जी, कविता, इनके पास ऑप्शंस हैं काफी। पहले तो सेक्शन 80C के अंदर जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं उसमें अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो 1.5 लाख तक का जो इन्वेस्टमेंट है उस पर टैक्स बचा पाएंगे। तो अगर ये सैलरीड एम्प्लॉय है तो ऑब्वियसली इनका जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है वो भी उसका हिस्सा है। उसके अलावा काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, 5 ईयर बैंक फिक्स डिपॉजिट्स है, अगर इनके पास लाइफ इंश्योरेंस है उसका जो प्रीमियम है वो भी इसमें आता है, या फिर म्यूचुअल फंड के जो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स हैं वो भी आते हैं, और अगर उनके पास अगर जब भी हाउसिंग लोन हो अगर कोई तो उसका जो रीपेमेंट है, उसका जो प्रिंसिपल रीपेमेंट है वो भी उसके शामिल है। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, 1.5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट करके इस पर टैक्स बचा सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन 80D में जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है 25,000 रुपये तक, उस पर भी इनको छूट मिल सकती है, और उसमें 5,000 रुपीज़ जो है वो हेल्थ चेकअप के लिए आता है। तो इसके अलावा अगर उनके पेरेंट्स हैं और वो सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपीज़ की छूट वहाँ पे ले सकते हैं। तो इन दोनों को मुझे लगता है अगर ये इस्तेमाल करें, इन्वेस्टमेंट करें या तो फिर हेल्थ इंश्योरेंस लें, तो काफ़ी हद तक जो इनकी टैक्स लाइबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ पर इन्होंने सलाह नोट डाउन कर ली हो। और इसी के साथ अर्णव जी आपका, हेमंत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की है। मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते एक वो नंबर जो कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर अपने सवाल आप हम तक पहुँचा सकते हैं और आपके सवाल हम शो में शामिल करेंगे, कराएंगे आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग। 9619873567 ये वो नंबर है जहाँ पर आपको अपने सवाल हम तक पहुँचाने हैं। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।